यार बच गई। नेट छोटा गाइस, नेट छोटा है, पास अच्छा है, नेट छोटा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और देखो, लगभग जैसे कि आप अभी खेल रहे होगे, वॉलीबॉल खेलते होगे, और वॉलीबॉल खेल रहे होगे, गेम खेल रहे होगे, तो आपको प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आपका जो पास है वो सही नहीं जा रहा, वो अंडर हैंड हो फिंगर हो, ठीक है। तो अब पास सही नहीं जा रहा, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो अभी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। आपको लोग डिमोटिवेट भी कर रहे होंगे, आप अच्छा खेल भी नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं हो पा रही। तो देखो, मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो है कि आपका जो रिसीविंग है और आपका जो पास है वो अच्छा कैसे हो, ठीक है, वो अंडर हैंड या फिंगर हो, और ग्राउंड में आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखो कि आप एक अच्छा पास दे पाओ। तो इन्हीं सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि इसके बाद जो मेरी नई वीडियोज आएंगी उसके अंदर हमारा हो सकेगा 80,000 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, हम एक अच्छा सा गिव अवे भी करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम आनंद है और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है कि हाउ टू गिव अ परफेक्ट पास, कहाँ, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबाओ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप वीडियो को जल्दी देख सको। अभी आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करें और उसको फॉलो करें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को 4 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है साइकोलॉजी फैक्टर्स जो आपको याद रखने हैं ग्राउंड के अंदर, सेकंड है आपका टेक्निक, ठीक है, थर्ड है आपका कॉमन मिस्टेक, और फोर्थ है ड्रिल, जिन ड्रिल को करके आप अपने जो पासिंग है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा साइकोलॉजी फैक्टर्स। तो साइकोलॉजी फैक्टर्स के अंदर हम पहला पॉइंट कि जब भी आप ग्राउंड के अंदर आते हो, ठीक है, तो पहले से भी प्रिपेयर होकर आना है सब माइंड की यार मुझे खेलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आ रहे हो, चलो कर लिया वार्म अप, खेल लिए, ये नहीं माइंड सेट कि आप ग्राउंड के अंदर आए हो तो जो भी पोजीशन खेलते हो वो चीज़ आपको करनी है, उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि आना और मुझे अपना 100% देना है, ठीक है। तो ग्राउंड में एंटर होने से पहले चीज़, दूसरा कि आपकी जो किट होनी चाहिए, जो भी आप पहनते हो, शूज़ हो, नी पैड हो, वो सब वेल होने चाहिए, साफ़ सुथरे भी होने चाहिए जिससे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। ऐसा नहीं कि आप गंदे संदे कुछ भी पहन के आ रहे हो, टी शर्ट पहन के आ गए, उससे क्या होता है कि आप ग्राउंड में भी ऐसे पॉजिटिव नहीं, सब किट पहन रहे आप ऐसे पहन रहे तो ये भी अच्छा नहीं होता। थर्ड, कंपटीशन पीरियड होता है तो लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत सारी लोग बातें कहते हैं ऐसा है वैसा है वैसा है, तो आपका जो माइंड वो डाइवर्ट होता है, उसको क्या करो, उसको डाइवर्ट मत करो, उसको एक जगह रखो अपने पास, ठीक है, जो कह रहा कहने दो, अपना जो हमको करना है उस पर फोकस करना है, ठीक है। चौथा, अब चौथा ये कि गलतियाँ होती हैं, बार बार गलतियाँ होती हैं, आप डिमोटिवेट होते हो, ठीक है, तो आप अगर गलतियाँ हो रही हैं तो उसको फॉरगेट करो, उसको वहीं छोड़ो, बट आप आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो गलती का मतलब जैसे आप पास ले रहे हो, आपका पास बिगड़े छोड़ो, दूसरा बिगड़े उसको छोड़ो, तीसरा आपको अच्छा करना है, ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आप मतलब जो आगे आने वाली बोल है उसको आप बिगाड़ोगे, ठीक है। पाँचवा लास्ट पॉइंट कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना ग्राउंड के अंदर, बाहर का मुझे नहीं पता, बट ग्राउंड के अंदर आप अगर पॉजिटिव रहते हो अपने पास को लेकर, अपने डिफेंस को लेकर, ठीक है, तो आप इजीली चीज़ें कर सकते हो, बट आप 100% में से 10% भी निगेटिव होते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि फिर आपकी बॉल रेगुलर बिगड़नी चालू हो जाएंगी। अगर आपकी टीम के पॉइंट लूज हो रहे हैं और आप निगेटिव जा रहे हो तो टीम का क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसीलिए आपको बॉल का खेलना और पॉजिटिव रहना जिससे कि आप लंबा ईजिली गेम के अंदर खेल पाओ, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो भी आप ग्राउंड के अंदर रहते हो या बाहर हो तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी जो पासिंग स्किल है अच्छी हो सके। देखो, अब सेकंड पॉइंट अपना टेक्निक। जब भी हम कभी पास लेते हैं, ठीक है, वो अंडर हैंड हो या फिंगर हो, तो उसमें होता है क्या है कि देखो, सबसे पहले अपनी बॉडी नॉर्मली हम इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो सामने, ठीक है, तो अभी हमारी बॉल आप सोचो बाय द वे सामने से आने वाली है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस किसके पास होना चाहिए, जो सामने जो सर्विस करा रहा है ना उसके ऊपर होना चाहिए। सेकंड, बॉडी बेंड होनी चाहिए। अब देखो, आप नॉर्मली देखते हो कि कुछ इस तरीके से जो प्लेयर होते हैं जब भी सर्विस आती है तो खड़े होते हैं इस तरीके से नॉर्मली, ठीक है, बॉडी को ऐसे बेंड करके इस तरीके सामने, उनका फोकस होता है सामने, आपको देखो सामने ध्यान रखना है,
उसके बाद अपने देखो ये जो लेग है, एक पैर हल्का सा आगे होगा, एक पैर होगा हल्का सा पीछे। इसका फ़ायदा ये है कि बॉल बाय द वे ईजिली आगे आती है आपकी, ठीक है, तो आप ईजिली रन कर पाओ और आप बॉल को रिसीव कर लो, ठीक है, इसलिए आप उसको डायगनल रखना। उसके बाद अपने जो हैंड्स हैं इनको आप देखो, जब तक सर्विस आ रही है, ठीक है, जब तक उसने सर्विस कराई नहीं जब तक तो हैंड्स ऐसे रहेंगे। जैसे ही उसने टॉस किया बॉल को हिट करने वाला, तो हैंड्स को ओपन रखना है और बॉडी को इस तरीके से रखना है कि बॉडी को आगे पीछे उसका मूवमेंट कर पाओ। ऐसा नहीं कि ऐसे कर दे, लॉक कर दिया पहले अंडर हैंड, ऐसा नहीं, इसको ओपन रखना, ठीक है, ओपन रखा। अब उधर से जैसे सर्विस मारता है जो भी सर्विस मैन है, उसने सर्विस मारी, तो उसकी रिस्ट को देखना है, क्या देखना है कि उसने क्या किया है, ईजी टैप किया है तो आपको अपनी बॉडी आगे लेके जाना है, ठीक है, या उसने पावर मारा तो वहीं खड़े रहना और बॉल को अपने अंडर हैंड या फिंगर से लेना है। अब अंडर हैंड से कौन सी बॉल लेनी है, फिंगर से कौन सी, देखो अंडर हैंड जो आपके आगे बॉल आ रही है वो सब चीज़ें अंडर हैंड लेनी है। लेनी कैसे कि बॉल आती है स्पीड में, बॉल आती है स्पीड में, तो तीन तरीके के फोर्स होते हैं। पहला होता है कि बॉल अगर नॉर्मल आ रही है तो आप उसको ईजिली पास कर देते हो फोर्स ऐड करके। दूसरा, जब भी रिसीव लेते हैं तो उसके अंदर दो कंडीशन बनती है, एक होती है जो मीडियम स्पीड वाली होती है कि बॉल आती है और हम उसको बस टच करते हैं और बॉल सीधे स्टैंड हो जाती है अपने हेड के ऊपर, ठीक है। तीसरी बॉल जिसमें फोर्स बहुत तेज आती है, तो उसमें हम क्या करते हैं अपने हैंड्स को पीछे की तरफ खींचते हैं क्योंकि हम फोर्स को ख़त्म कर सकें। जिस स्पीड से बॉल आई है ना, उस स्पीड से हम बॉल को क्या करें, फोर्स यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है, उसकी जो फोर्स लगी है, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके हो गए, तो ये रिसीविंग में तो ये यूज़ होते ही होते हैं। एक तो जो बॉल आ रही है आपको बस फोर्स ऐड नहीं करना, रखना ऐसे तो स्टैंड हो जाता है। दूसरा कि बॉल पीछे, बॉल आ रही है और हम इसको लगेगा तो हम हाथ को पीछे खींचेंगे कि फोर्स को हम लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो बॉडी नॉर्मल देखना सामने है और देखना सर्विस वाले का हाथ देखना है, रिस्ट है, जैसे जैसे बॉल का मूवमेंट हो उस तरीके से आपको अंडर हैंड लेना है। फिंगर में क्या केस होता है कि फिंगर में आपको बॉल होती है स्पीड में, तो फिंगर में क्या केस होता है कि फिंगर जैसे ही बॉल आती है आपको इसको ऊपर की तरफ फेंकना है, ऊपर। अगर आप इसको ऊपर नहीं फेंकते क्योंकि बॉल की स्पीड इतनी तेज होगी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बहुत फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीधे ऊपर फेंक दो। ऊपर का मतलब ये अंदाजा होना चाहिए कि वो नेट के पास ही जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर हैंड और फिंगर का आपको इस तरीके से टेक्निक का यूज़ करके आप सर्विस को उठा सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉमन मिस्टेक। देखो मिस्टेक्स बता दूं कि देखो जब भी हम सर्विस लेते हैं तो सर्विस जिस तरफ से आ रही है, ठीक है, उसके हमें सामने से, अब उसके सामने से हमको पास लेना होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप सामने नहीं होते, बॉल आएगी इस तरफ से तो आप क्या करोगे, ऐसा हाथ ले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ टच होती है और बॉल पीछे की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है। दूसरा कि जब भी आप पास लेते हो तो ये जो वाला, जैसे आपको इस साइड हैंड आया तो आपको ये ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे ऐसे इसको पहले यहाँ रखना और फिर इसको यहाँ करना, जिससे कि पास ऐसे आए, ठीक है। कभी लोग ऐसे ले जा रहे हैं, ये भी गलती है। तीसरा कि जब भी आप ग्राउंड में हो, ठीक है, तो आपको बॉल को जज करना है, भागना नहीं है। आप बाय द वे आगे आनी है बॉल, ठीक है, तो आपका पहले ही भग गए, पीछे भग गए, ठीक है। तो इससे भी जजमेंट आपको प्रॉपर लेना है कि आगे आ रही है पीछे आ रही है, तो अगर ये सही होगा तो आप इजीली जो पास है, छोटी छोटी गलतियां जिनको आपको ध्यान रखते। फोर्थ पॉइंट है ड्रिल, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो अंडर हैंड से भी करनी है और फिंगर से भी करनी है, ठीक है। जिनको करके जो आपको बेसिक चीज़ है ना वो क्लियर हो जाएंगी और आपका जो पासिंग है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आपको 6 से 7 ड्रिल है वो आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इनकी एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका जो रिसीविंग है वो अच्छा।
ठीक है, साथ के साथ आपको जो सर्विस करा रहा जो सामने, ठीक है, उसको भी फोकस करना है कि बोल आगे दर दी, मूवमेंट देखना उसका आगे है पीछे है, ठीक है, सब कुछ जज करके तब जाके आपको पास लेना। देखो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वो सामने सर्विस करा रहा, मैं सामने यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ हूँ एक नंबर पे, ठीक है, अब वो एक नंबर पे बोल मारेगा, ठीक है, आपको भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे जैसा कि बोल पार चली गई है, तो कोई नहीं, ठीक है। देखो जैसा कि गाइज अभी देखो हमारा होता है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, तो अभी होता है 4:30 बजे, ठीक है, और अभी हम वीडियोस बना लेते हैं पहले ही, तो इसलिए बॉडी वार्म भी नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा पाता वो इसलिए क्योंकि अब देखो जब हम ड्रिल करते हैं तो मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए नहीं बन पाती हैं, ठीक है, तो अपने साथ देखो तुषार, क्योंकि अभी आ रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल और जिसकी हम प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, वो कब है मैं आपको बता दूंगा वीडियोज़ में आगे, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग टाइप का भी हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट आप देखो, और मेरा भी बर्थडे था उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिखाया तो जो कि अच्छा लगा, और आपके लिए गिव अवे भी आएगा 80K पे, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर गाइस लगभग बस इतना ही, और भी आपकी कोई कमेंट प्रॉब्लम कुछ होती है तो आप बता सकते हो, ठीक है सर, कुछ कहना है, ठीक है, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तो सर भी कह रहा था एक चैनल बनाने के लिए, ठीक है, अगर बनता है तो मैं उसको बता दूंगा वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, बस इतना ही, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और यार देखो कोई भी मोटिवेशन की दिक्कत हो रही है ना तो मुझे आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है, नहीं हो रही तो कोई नहीं, ठीक है, मोटिवेशन देने के लिए ऑलवेज रेडी, मेहनत करो और कुछ लाइफ में बड़ा करो, और डरो मत किसी से यार, डरोगे तो आप कुछ नहीं करो, डरना नहीं है किसी से, खुल के जाओ, जो आपको अच्छा लग रहा वो करो, ठीक है, चाटू चूटू मत करो, थैंक यू, तो ये था आज का मोटिवेशन, थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करो, और वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।